सनातन धर्म के ऊपर लगातार जो पूरे देश में टिप्पणियां हो रही हैं, विपक्ष पार्टियां लगातार जो है, विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार जो है सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के जाने माने चेहरे कहलाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था हिंदू सनातन धर्म जो है कोई धर्म नहीं है। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो है तमिलनाडु के सीएम के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी कहा था कि सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर वो करता है तो इससे उस धर्म के लोगों को आहत होगा, और अगर वो ये सोचते हैं कि यह बोलने से हमारा टीआरपी बढ़ेगा या सोशल मीडिया पे प्रचार होगा या मेरा वोट बढ़ेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा अनुरोध है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई न बोले और अपनी स्वच्छ छवि के लिए अच्छे से कार्य करें। और हम लोग के साथ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, और ये चाहते हैं कि हर आदमी सभी के धर्मों का सम्मान करे। और सनातन की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि विदेश के अंदर भी कोई देश ऐसा है जहाँ रेलवे में सवेरे शुरुआत के समय सनातन धर्म का हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही वहाँ की शुरुआत होती है। इस सनातन धर्म का तो पूरे विश्व में डंका बजता है, और सनातन धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल के, ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरा कहलाते हैं राजनीतिक पार्टी में, उनके तरफ से ये विवादित बयान कि वो खुद हिंदू हैं, उनके तरफ से ये विवादित बयान कि जो सनातन धर्म है वो कोई धर्म नहीं कहलाता है, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा चेहरा ये विवादित बयान बोले और जो इनके ऊपर वार करते हुए यहाँ के जो सनातन संघ के जो यहाँ के जो साधु संत हैं उन्होंने कहा था कि अभी तो शाही खाली फेंकाई है इनके ऊपर। हनुमानगढ़ी महंत ने भी कहा था कि इनके ऊपर अभी तो शाही फेंकाई है, अब आगे आगे देखिए होता क्या। देखिए, व्यापार मंडल के कारण हम लोग तो यही कह सकते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, सनातन धर्म के हो चाहे कोई धर्म हो। और अगर इन्होंने इस तरह की बात कही है तो इनकी सोच के पीछे क्या राज रहा है, इसका जवाब खुद ही हमारे जो है विद्वान हैं या शंकर मुनि हैं या साधु संत हैं वो खुद ही दे देंगे। पर किसी के धर्म के खिलाफ बोलना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे चेहरा बड़ा हो चाहे चेहरा छोटा हो, किसी को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी के डायरेक्ट धर्म के सनातन के बारे बोल के लोगों को आघात करना, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुखिया यूपी के लगे हुए हैं, तो उस समय तो मुझे लगता है ये बात अच्छी नहीं है। आगे से इस तरह की टिप्पणी न हो तो इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। लगातार जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सनातन धर्म से जो है लगातार जो टिप्पणियां हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, तो क्या लगता है कि आपको कि क्योंकि 2024 चुनाव भी संसदीय चुनाव भी पास है, तो क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोल ले इससे एक बातों का फर्क पड़ता है, आघात लगता है, लेकिन इससे कोई चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव का मन बन चुका है और वो मन बना हुआ भाजपा का है, और प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे प्रदेश के मुखिया पर लोगों की आस्था है, और इस समय योगी जी हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोल ले, ये हर आदमी जानता है सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में क्या करना है, या सभी धर्म के बारे में हर धर्म के लोग जानते हैं, इसलिए इससे कोई चुनाव पे असर नहीं होगा, बल्कि चुनाव और ज्यादा बहुमत से सरकार जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक नेता है, काशी के वासी जो हैं और राजनीतिक नेता जो हैं, उनके अंदर भी एक सनातन धर्म की आस्था भरी हुई है। आगे भी और भी लोगों से बात करेंगे। मैं वाराणसी से अमन शुक्ला, न्यूज़।